Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha IAS Academy's UPSC Environment course and we are at the lecture 16. अब हम लोग हमारा ये थर्ड पार्ट चल रहा है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं. आज हम बहुत ही छोटे में पढ़ेंगे IUCN की लिस्ट एंड नेशनल पार्क्स, एलिफेंट रिजर्व्स एंड टाइगर रिजर्व्स. देखो सारे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आपको पढ़ाने, वो आपको याद तो खुद करने पड़ेंगे, बट आपको एक छोटी ट्रिक बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है और वो सब हो जाएगा. तो आइए शुरू करते हैं. और अल्फा आईएएस एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मज़े लीजिए, हंसते रहिए, खुश रहिए. तो देखो यार, सबको पता है एक हम लोग कोई भी स्पीसीज, जैसे ही आपको किसी भी करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिलता है, सबसे पहले आप उसका IUCN स्टेटस देखते हैं. इतना हम लोग मेंटली चार्ज हो गए हैं UPSC के चक्कर में कि हम हर चीज़ का IUCN का स्टेटस देखने लगते हैं. ठीक है, इनफैक्ट हम तो आपस में दोस्तों में मजाक कर भी करते थे कि भैया तेरा IUCN का स्टेटस क्या है. ठीक है, तो लेकिन वो क्वेश्चन किसी टाइम पे आया करते थे, पिछले दो तीन साल से तो नहीं आ रहे हैं, बट क्योंकि आया करते थे तो पढ़ाना पड़ेगा और आपको आना भी चाहिए. तो बेसिकली छोटी सी चीज़ कर लेते हैं. तो IUCN है क्या? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इनिशियली उसका नाम जो था वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज था. ये क्या करता है, ये 8 कैटेगरीज में किसी भी डिफरेंट स्पीसीज को बांटता है. ठीक है, और जो रेड डाटा बुक निकालता है वो फर्स्ट टाइम इशू की गई थी 1966 में. ठीक है, एक IUCN का स्पेशल सर्वाइवल कमीशन होता है, वही इसको फॉर्मुलेट करता है, वही उसको देख रेख करता है कि कैसे कोई भी चीज़ एज अ गाइड फॉर फॉर्मुलेशन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पीसीज लिस्टेड. ठीक है, वही आपको बताया कि ये एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, फिर दो टाइप के पेजेस होते हैं भैया उस बुकलेट में, एक तो आपके पिंक पेज होते हैं, एक ग्रीन पेज होते हैं. देखो पिंक पेज में जो है वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज रहते हैं. ठीक है, एंड जब जब न्यू ऐड होते रहते हैं, तो आपने अगर साफ सब्सक्राइबर है IUCN के तो वो आपको भेजता रहेगा कि भैया ऐसा है कि ये वाला स्पीसी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड उसमें ला दिया गया है. ठीक है, पिंक पेज होते हैं एंड ग्रीन पेज होते हैं. ग्रीन पेज में वो एनिमल्स होते हैं कि जो पहले एंडेंजर्ड थे, लेकिन अब क्योंकि हमने भैया कोशिश करी बहुत, हमने उसको बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश करी, प्रोग्राम चलाए, अब वो जो है रिकवर हो गए हैं. ठीक है, तो पांच क्राइटेरिया लेते हैं हम लोग पांच IUCN में डालने के लिए. ठीक है, पहले तो उसका पॉपुलेशन रिडक्शन देखते हैं किसी भी स्पीसी का कितना हुआ है. देन उसका रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिक रेंज देखते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन देखते हैं, वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन एंड एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स निकाल के फिर उसको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल में लिस्ट करते हैं. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप लोग याद रखना, कम होते हैं और वो सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं. बेसिकली आठ वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी, देखो एक्सटेंट में उसको, इसको यहाँ नहीं, यहाँ देखो जिसके लिए तो एडिक्यूएट डाटा है. यह पहले देखो उसको सारे स्पीसीज हैं, कुछ को इवेल्युएट नहीं किया गया है, कुछ को इवेल्युएट किया गया है. इवेल्युएट में भी किसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एडिक्यूएट डाटा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एडिक्यूएट डाटा नहीं है, वो डाटा डेफिशिएंट है. ठीक है, जो एडिक्यूएट डाटा है उसको हम लोगों ने लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रीजनली एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. अब भैया ये एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट वो है कि भैया जो लास्ट स्पीशीज थी अर्थ पे जो मिलने वाली थी वो डाई हो चुकी है. कोई डाउट ही नहीं है कि जो लास्ट इंडिविजुअल था उस स्पीसी का वो डाई हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब आप कहीं भी चले जाओ जंगल में, आपको वो स्पीसी वहाँ नहीं मिलेगी, वो वाइल्ड में जा चुकी है. अब जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है, या तो लैब में प्रिजर्व हो रही है, या एनिमल है तो उसको उसकी जो लास्ट स्पीसीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसको किसी जू में रख दिया गया है या किसी पर्टिकुलर XC2 कंजर्वेशन साइट पर रखा गया है, गार्डन में रख दिया गया है. ठीक है, पार्क में रख दिया गया है, तो वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया. क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो क्या है, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. ठीक है, तो पहले एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होगा, फिर प्रॉपरली एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ठीक है, कई बार तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट सीधा हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि इस स्पीशी की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो हमें बाद में जब हम सो सारी वाइप आउट हो जाती है तब पता लगता है. तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी होती है? अ टैक्सन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर, कि बहुत जल्दी अगर हमने उसे बचाव नहीं किया तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी. फिर एंडेंजर्ड क्या हो जाएंगी? जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है बट फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर. क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इमीडिएट फ्यूचर, एंडेंजर्ड, नियर फ्यूचर.
ठीक है, फिर आगे आपका वनरेबल, वनरेबल है कि ठीक है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना एंडेंजर्ड है, बट फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द मीडियम टर्म फ्यूचर। फिर लोअर रिस्क यार ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं है, ना ये एंडेंजर्ड है ना वनरेबल है ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट अगर हाँ इसे नहीं किसी भी चीज़ की देख रेख नहीं करोगे तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वनरेबल में जा सकती है। डाटा डेफिशियंट हो गया कि उसके लिए प्रॉपर डाटा ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम क्या एक्सेस करें। नॉट इवेल्यूएट मतलब कि जिसको अभी तक एक्सेस या जिसको इवेल्यूएट या उसकी जो एनालिसिस है वो नहीं की गई है, ठीक है। देन सिक्स मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। देखो पांच मेजर एक्सटिंक्शन हुए हैं। देखो एक्सटिंक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी वर्ष अर्थ से सब कुछ वाइप आउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक्सटिंक्शन तब बोला जाता है कि लगभग लगभग 95%, आज मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा मैं अर्थ को लूँ, आज के टाइम पर जो भी स्पीशी है उसका जब 95% वाइप आउट हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सटिंक्शन हो गया। वो 5% तो रहता ही है, क्योंकि उसी से तो दोबारा लाइफ जनरेट होगी। अगर सब कुछ ही वाइप आउट हो जाएगा तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा दोबारा आने में, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि पांच मास्ट एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। मास्ट एक्सटिंक्शन मतलब उस टाइम पे जो उस टाइम की 95% स्पीसी पॉपुलेशन थी, ह्यूमन प्लांट्स आपके एनिमल्स, वो सारे के सारे 95% जो है वाइप आउट हो गए थे। और सिक्स मास्ट एक्सटिंक्शन जो है वो बेसिकली जो पिछली पांच थी वो नेचुरल कॉजेज की वजह, ठीक है। तो जो फिफ्थ जो पिछली पांच है वो नेचुरल है, बट ये छठी जो है ये हमारी वजह से हो रही है, हम सिंगल स्पीशीज की वजह से हो रही है। वी दी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट वी विल बी द रीजन फॉर द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। इनफैक्ट जो 25-40% प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी जो जनरेट करती है हमारी अर्थ, वो हम ही कंज्यूम कर जा रहे हैं। भाई हम तो जो हैं अपने प्लांट्स एनिमल्स के साथ भी स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उनके लिए भी कुछ छोड़ें। बट जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है 25-40% हम ही लोग कंज्यूम कर जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये देखा गया कि आज के टाइम पर जितने भी वर्टिब्रेट स्पीशीज़ बचे हुए हैं 97% जो हैं या तो ह्यूमंस हैं या जो हमारे लैंड पे एनिमल्स हैं, जो लाइफ स्टॉक है वो है, सिर्फ 3% वाइल्ड हैं। तो कितना देखो इन वाइल्ड कितना ज़्यादा लॉस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो मिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोग्रेस थी, अर्थ इवॉल्व हुई है, अर्थ कोई आज परसों इवॉल्व हो गया, आज आप ऐसे नहीं देख रहे हो। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स to evolve what you see today and we as a human only took 10,000 year to destroy it। हम लोगों ने इनवेज उसका डिस्ट्रक्शन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, मतलब नेक्स्ट लेवल पे, मतलब विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट द नेचर हम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन करते चले गए। अब जाके पिछले 2 decades, 3 decades, 4 decades में हम अकल आई है कि भैया हमें अर्थ को भी बचाना है, और अब हमने बचाने के लिए बहुत सारे कदम लिए हैं, बट बहुत सारा नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग इन्वेसिव स्पीशीज छोड़ देते हैं, जैसे रैट्स ने अल्बाट्रॉस चिक्स को, उनके नेस्ट को पूरा खा गए वो लोग, मतलब छोड़ा ही नहीं। ऐसे ही स्नेक हेड फिश ने जो है कई सारी नेटिव स्पीशीज को यूएस में वाइप आउट कर दिया। बट देखो अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो दो उसमें डिवाइडेड हैं, दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप कहता है कि भैया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सिक्स मास एक्सटिंक्शन, और एक कहता है कि हो गया है, इसमें डिस्प्यूट है। लेकिन इस बात में उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हाँ जो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो गया है, तो ये चीज़ दिखाता है कि हम सिक्स मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी भैया क्यों ज़रूरी है, देखो वो हमें कितना कुछ प्रोवाइड करता है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि उसे कंजर्व करें, उसको मैनेज करें, जो बैलेंस नेचर का वो बना रहे, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी नेचर को जैसा हम देख रहे हैं वैसा देख पाएँ, जैसा हम यूज़ कर रहे हैं वैसा यूज़ कर पाएँ। इसीलिए आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तीन बेसिकली हमने आर्ग्यूमेंट में इसको डिवाइड कर दिया कि हम कंजर्व क्यों करें भैया। तो जो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स थे, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी में जो बिलीव करते हैं, है ना, यूज एंड थ्रो, ठीक है। नैरो यूटिलिटेरियन वो बोलते हैं कि भैया देखो हमें जो है बहुत सारा बेनिफिट है जो अपने बारे में सोचते हैं, आज की दुनिया जैसी हो गई है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं, बोलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट होता है हमें नेचर से, हमें नेचर को बचाना है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन वाले क्या बात करते हैं कि यार इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत है, वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं, हमें कल्चरल बेनिफिट्स, हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, तो उसे बताओ। और एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है कि वी एज ह्यूमन इज अ सिंगल स्पीशी ऑन दिस अर्थ। हम लोग मिलियन ऑफ स्पीशीज के साथ इस अर्थ को शेयर करते हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की, और बहुत ज़रूरी है कि हम
उनके साथ सामंजस्य में जिए, हारमनी में जिए, उनके लिए भी कुछ छोड़ें। दस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीशीज, सेव अ स्पीशी फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम डैमेज एंड डिग्रेडेशन। अब हो गया कि कंजर्व करनी है, दो टाइप से कंजर्व कर सकते हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब ऑन साइट, आप जहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम आई है, वहीं पे जाके प्रॉब्लम को सही कर रहे हैं। एक्स सीटू होता है, हमने पढ़ा था ना, सॉइल सही करने के लिए कचरे को आप वहीं पे भी सही कर सकते हो, उसको उठा के कहीं और लाओ और तब उसको ट्रीट करो तो वो एक्स सीटू हो जाएगा। तो एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट। इन सीटू में क्या क्या आ जाएगा, आप नेचुरल पार्क्स बना लेंगे, है ना। आपके पास भाई नेचुरल पार्क्स क्या हैं, वही फॉरेस्ट है, बस उसको आपने मार्क कर दिया कि ये नेचुरल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सीक्रेट ग्रोव है। तो ये क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है कि जो नेचर में चीज़ है वो वही है, बट आपने उसको कंजर्वेशन के लिए कुछ कुछ उसके लिए टूल्स बना दिए, ठीक है। एक्स सीटू की बात है कि आप जो है आपने खुद कुछ बनाया और वहाँ पे आप नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, जैसे बोटैनिकल गार्डन्स, जूज, जीन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर जो आप करते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इन सीटू की। देखो, इन सीटू है कि आप वहीं पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए इंडिया में आज के टाइम पे 106 नेशनल पार्क हैं, 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 18 बायो रिजर्व्स हैं, 54 हो गए हैं टाइगर रिजर्व्स, 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ठीक है, एंड 64 रामसर साइट्स हैं, 4 कोरल रीफ्स एरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर इंटेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, भाई नेशनल पार्क और सेंचुरी क्या फ़र्क होता है, नेशनल पार्क में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं क्या गाइडलाइंस, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, सेंचुरी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें खोल देते हैं, नेशनल पार्क थोड़ा छोटा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, ठीक है। और आप ये मानो कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेके अरुणाचल के उस एंड तक बहुत सारा एरिया पूरे देश में जो है प्रिजर्व्ड एरिया, रिजर्व्ड एरिया को फैला हुआ है। अभी हम आपको आगे मैप्स में देखेंगे कि हर जगह आपके पास नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बोटैनिकल गार्डन्स, ये बोटैनिकल गार्डन्स तो एक्स सीटू है, बोटैनिकल गार्डन्स भी बहुत जगह मिलेंगे आपको, और सीक्रेट ग्रोव्स ये सब मिलते रहते हैं। देन बायोस्फीयर रिजर्व, देखो बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ये 1975 में आया जब यूनेस्को ने एक मैन एंड मैप प्रोग्राम बोलते हैं जो जिसका फुल नेम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें क्या हुआ कि वो डेजिग्नेट करते हैं, अब इंडिया में बहुत सारे इंडिया में ऐसे तो 18 बायो रिजर्व हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत कम जो हैं पर मैप में जो हैं सिर्फ आपके 11 हैं। 11 मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमराई, सिंपली फार, अचानक मार, अमरकंटक, एक ही है ये ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलैया एंड कंचनजंगा। कंचनजंगा लेटेस्ट था जो 2018 में ऐड किया गया था, ठीक है। दस हमने देखा कि 18 आपके पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से सिर्फ 11 मैप प्रोग्राम में, ठीक है। मैप से क्या होता है कि आपको यूनेस्को का एक टैग मिल जाता है कि भैया ये ज़्यादा इसको कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड होता है, एक आपका कोर जोन होता है, उसके बाहर एक बफर जोन होता है, ठीक है, और सबसे बाहर एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो आप मान के चलो कोर जोन में तो कुछ भी अलाउड नहीं होता, एकदम हाई स्ट्रिक्टली प्रिजर्व करते हैं उसको, ठीक है, ये तो कोर जोन हो गया, जैसे एक नेशनल पार्क जो है कोर जोन हो सकता है। फिर बफर जोन में आ गया कि हाँ ठीक है, आप रिसर्च स्ट्रेटजी करनी है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी है, वो आप वहाँ कर सकते हैं बफर में। ट्रांजिशन में जो है, यहाँ ये वो एरिया है जहाँ पे आप नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ करते हैं, वो खेती कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, टूरिज्म अलाउ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है कि पूरा ही खोल दिया। तो ये ट्रांजिशन जोन है, तो ये बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड होते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। मेन फंक्शन क्या क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के, देखो सबसे पहले तो क्यों बनाया गया, क्योंकि जो वो लैंडस्केप है उसको कंजर्व करने के लिए, वो रिप्रेजेंट करता है कुछ चीज़ों को, उसको प्रिजर्व करना है, उसको बनाए रखना है, जो वहाँ के जेनेटिक रिसोर्सेज है उसे प्रिजर्व करके रखना है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। तो कंजर्वेशन एक आइडिया है। देन डेवलपमेंट, तो एनकरेज ट्रेडिशनल रिसोर्स यूज एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ कल्चरली, सोशली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, है ना भाई। हम ऐसा नहीं है कि नेचर से बहुत दूर जा सकते हैं, अगर हमें नेचर के साथ
रहना सीखना है तो हमें नेचर के साथ रहना होगा, नेचर के साथ रह के ही हम नेचर के साथ रहना सीख पाएंगे, है ना भाई। आप किसी के साथ रहना कब सीखोगे, जब आप उसके साथ रहोगे, है ना। आप अलग पड़े हुए हो, वो अलग पड़े हैं, है ना, नाराजगी चल रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही बात है कि डेवलपमेंट के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, एंड उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन तो एक आइडिया था ही। देन स्पीसीज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, भाई देखो अब क्या हुआ, नेशनल पार्क तो भाई सबको प्रिजर्व कर रहा है, आपने नेशनल पार्क बना दिया, वहाँ पे तो आपके जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब प्रिजर्व हो गए। बट ये देखा गया कि भैया कुछ जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब अगर उन्हें बिल्कुल एकदम नेशनल पार्क तो छोड़ो, अगर उन्हें बिल्कुल नहीं बचाया गया तो वो पूरे वाइपआउट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत एक्चुअली 1972 में इसकी शुरुआत हो गई थी, बट ये लॉन्च 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। इसका आइडिया वही था टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, एंड लार्जेस्ट स्पीसी कंजर्वेशन इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड का, और इतना इंपॉर्टेंट था कि प्रोजेक्ट टाइगर में फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है माने 1972 में, उसमें 2006 में एक अमेंडमेंट की गई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006, उसके अंदर एक हमने अथॉरिटी बनाई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके इसको हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। PM हेड्स दी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड आई रिपीट दैट इट वॉज मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाया अमेंडमेंट नेम्ड एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई, जिसको कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, टू टेक केयर ऑफ द टाइगर्स। और आज के टाइम पे आपने कहा कि हमने इतना एफर्ट करने के बाद आज हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ावा देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज आप मेहनत करोगे तो उस मेहनत का आपको फल कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं लेटर ऑन डे में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे शाम को उसका फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करते रहिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर में कर्म करते रहे, और उसके रिजल्ट 1973 से स्टार्ट हुआ था और आज 2020 22 21 14 15 में देखने चालू हुए, ठीक है। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया, 1992 में। इसमें वही जो फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है, मतलब तो एलिफेंट क्या है, एलिफेंट एक चलता हुआ एनिमल है, ठीक है, वो लगातार चलता रहता है, उसको एक बहुत बड़ा एरिया चलता है, अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे तो उसके हैबिटेट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, और वो एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, जैसे कहीं से रोड जारी होती है ना, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स बना दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि नीचे से एलिफेंट निकल सके, क्योंकि एलिफेंट एक काफ़ी चलता हुआ एनिमल है, ठीक है, धोखी लगता नहीं है वो। तो और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 12 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन क्रोकोडाइल बीड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाया गया, वो इसमें क्या है कि बेसिकली ये इसमें तो ये बहुत कुछ करते हैं, ये तो जैसे क्रोकोडाइल्स ने एग्स दिए तो उसको उठा के ले आते हैं, क्रोकोडाइल्स की कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब कि क्रोकोडाइल्स को लेके आ जाते हैं कहीं पे पार्क में, वहाँ पे उसे पालते हैं, वहीं पे उसका रिप्रोडक्शन कराते हैं, ताकि जो तीन एंडेंजर्ड क्रोकोडाइलियन स्पीशीज़ हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स, घड़ियाल्स तो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, चंबल रिवर्स में पाए जाते हैं। इनफैक्ट एक बार पूछा भी गया था UPSC में कि घड़ियाल्स नेचुरली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें चंबल भी एक आंसर था, अगर वो आपको बताता तो आप आंसर सही मार देते, ठीक है। उसमें क्या करते हैं भाई, आप कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं, री इंट्रोडक्शन ऑफ री स्टॉकिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जो एग्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उनको अच्छे से फर्टिलाइज हो जाएं, बच्चों को पालते हैं, फिर उसको वाइल्ड में छोड़ देते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्रेट फॉरेस्ट एंड सेक्रेट लेक्स का। देखो सेक्रेट फॉरेस्ट और सेक्रेट लेक्स मतलब क्या हुआ कि जिसकी थोड़ी सी रिलीजियस या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बनियन ट्री का, है ना, हम लोग पीपल का पेड़ जो है उसको नहीं काटते या उसे बहुत सीक्रेट मानते हैं, तो ऐसे पीपल के पेड़ बहुत सारे हैं, तो उसको बोल दिया कि यार ये सीक्रेट ग्रुप्स हैं। अच्छा, सीक्रेट फॉरेस्ट या सीक्रेट ग्रुप्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में, वो आपको लिस्ट हम दे देंगे, वो आप पढ़ सकते हैं, पूछा तो नहीं है बट ठीक है, पढ़ने में क्या जा रहा है ना, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जानते हैं तो आप भी कितना याद करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात थी सीक्रेट फॉरेस्ट की। सीक्रेट लेक्स मतलब ऐसी जो, जैसे आपने किसी फॉरेस्ट को सेक्रेट मान लिया कि यार ये हमारे लिए बहुत सेक्रेट है, ऐसी लेक्स को मान लेते हैं, जैसे उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है केचियो पलरी लेक सिक्किम में, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यार ये हमारे लिए सेक्रेट है। यार देखो, जो भी आप सेक्रेट मानते हो ना, उसको आप साफ सफाई उसका ख्याल रखते हो, उसे कुछ हो ना जाए, उसे मतलब एकदम अपने बच्चे की तरह रखते हो आप, तो सेक्रेटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट में, और ये किसको, इन्वायरमेंट बचाने के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में हमें हेल्प करती है। देन बात करते हैं एक्सीटू या ऑफसाइट कंजर्वेशन की, उसमें बोटैनिकल गार्डन्स एंड जूज आ गए। तो ये क्या है कि आपने गार्डन बना दिया या मेडिकल मेडिसिनल प्लांट पार्क बना दिया,
मेडिसिनल प्लान बना दिया, ठीक है भाई, तो एक पार बना दिया, लेकिन ये एक्स सीटू है, मतलब ये आपने खुद बनाया है, वहाँ पे आप प्रिजर्व कर रहे हो, ऐसे जीन बैंक बना दिया। देखो लार्जेस्ट जो वर्ल्ड का जीन बैंक वो कहाँ है, सबलवार्ड में है, सबलवार्ड कहाँ है आपका, नॉर्वे में है। वहाँ पे क्या है, उनका कोशिश क्या है कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जीन्स हैं सारे स्पीसीज के, वो ला के वो वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब बहुत छोटे, बहुत कम टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में सेव किया जाता है ना। उससे क्या होता है कि बेसिकली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सस्पेंड हो जाती है और वो प्रिजर्व रहता है या फ्रीज रहता है, एग्स फ्रीज किए जाते हैं, है ना। आज के टाइम पे जायगोट, सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, एग्स और स्पर्म सेल्स को छोड़ के जो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, ठीक है। डाइप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड मतलब वो दो पेयर ऑफ, मतलब दो क्रोमोजोम, अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम उनमें होता है। खैर वो बात की बात है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। जीन बैंक में क्या करते हैं, आप जीन्स को प्रिजर्व कर रहे हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है NBPGR न्यू दिल्ली में है। ये क्या करता है, इट प्रिजर्व्स द सीड्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स एज वेल एज कल्टिवेटेड वेराइटीज। फिर एक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल है, वो क्या करता है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उनके जीन्स को प्रिजर्व करता है। ऐसे ही नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है लखनऊ में, वो क्या करता है, फिश के जीन्स को प्रिजर्व करता है, देख रेख करता है, क्योंकि एक जगह पर सब कुछ करना तो बहुत मुश्किल है, इतनी सारी स्पीशीज हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने अलग अलग एजेंसीज बना रखी हैं। क्या प्रिजर्वेशन में आपको समझा दिया कि बहुत कम टेम्परेचर पे आप किसी भी सेल्स को या एग्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ मॉलिकुलर लेवल, मतलब DNA लेवल पे, ये थोड़ी सी न्यू टेक्निक है, इसमें आप वही जो क्लोनिंग होती है DNA को क्लोन कर देते हैं, या मटेरियल हैविंग दैट DNA उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, या आप ऑलरेडी आपके पास सीड बैंक्स हैं वहाँ से आपने DNA लिया और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ DNA कर दिया, उससे आपने वो स्पीशीज़ को जनरेट कर दिया। तो आज के टाइम पे तो बायोटेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको वो हेल्प कर रही है। तो ये सब क्या है, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। तो ये सब लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। 106th नेशनल पार्क कौन सा था, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। बेसिकली अब आपको देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आज एक ही दिन में याद करो, एक एक स्टेट पकड़ो डेली और वो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट का आप पहले नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई है तो, और रामसर साइट्स अगर कोई है तो वो आप याद करें अपने स्टेट्स के। उसका पर स्टेट्स आप चलते जाएँ जैसे आपको अच्छा लगता है अपने से, जो फिर आपके जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनको देखें, फिर और बाहर जाएँ। तो मान लिया आप हरियाणा से हैं तो पहले हरियाणा का लर्न करें, फिर दिल्ली, गुजरात, ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, इनके याद कर लें, तो उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों जो इमेजेस हमने GK बुक्स से लिए हैं उसके लिए हम लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी इमेजेस ढूंढी, बहुत सारी इमेजेस बनाने की कोशिश करी, बट हम इतनी अच्छी इमेज नहीं बना सके जो GK बुक्स ने प्रोवाइड किए हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल एंड फॉर दी हेल्प गिवन बाय GK बुक्स एंड वी अप्रिशिएट देयर वर्क, ठीक है। देन टाइगर रिजर्व, 54 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है, और अभी 54th बना है। एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क था छत्तीसगढ़ में, उसको अभी 54th टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो और ऐसे ही देखो, एनिफेंट रिजर्व थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, 32 है या 33 है, आप पढ़ लेना, हम लोगों ने 33 मिले तो हम 33 आपको दिखाए हुए हैं। फिर वही अपने स्टेट से स्टार्ट करें, देन सराउंडिंग स्टेट्स की बात करें, और रामसर साइट 64 है, आती रहती हैं, पूछा गया है और कई बार, इनफैक्ट अभी ही 4 64 आज के टाइम पे आपको अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि अभी 2 वीक्स पहले ही 4 अडेट ऐड हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तमिलनाडु में ऐड हुई हैं, एक करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी एंड एक पल्लीकरनई मार्क्स रिजर्व, एक आपकी मिजोरम में हुई है, मिजोरम में अब एक वेटलैंड पहला ही मिजोरम का है वो है पाला वेटलैंड, और एक MP में हुआ है मध्य प्रदेश में, वो है साक्य सागर लेक। इन चारों को जो है अभी अभी लेटेस्ट रामसर कन्वेंशन के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे ये सिस्टम कोटा एक बार पूछा हुआ था, तो यार रामसर साइट मुझे लगता है गिवन एन इंडिया, सबसे पहले अगर आपको कुछ याद करना है तो रामसर साइट याद करनी ही करनी है, और एक बार नेशनल पार्क पूछ लिया जैसे और क्या पूछते थे, कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा था, काजीरंगा, गिर, बांदीपुर और काना दे दिया था, और मैच द फॉलोइंग था कौन से स्टेट में, तो दो भी बताते तो कर लेते, काजीरंगा कहाँ है आपका आसाम में, गिर कहाँ है आपका गुजरात में, काना कहाँ है आपका MP में, और बांदीपुर कहाँ है कर्नाटका में। अब देखो मेरे को, आपको लग रहा हो हमें कितने अच्छे से याद आता है,
कई सालों लगे हमें याद करने में, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। कभी भी कोई भी डाउट हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके निमोनिक्स बनाकर डालें, आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करें इसकी, ताकि आप जल्दी से अपना सिलेबस इंटरेस्टिंग वे में ख़त्म कर सकें। और यही अल्फा एस का उद्देश्य है, टू मेक एजुकेशन सिंपल एंड अफोर्डेबल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय।